हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। अभी है दोपहर का टाइम और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टीवी का रिचार्ज ख़त्म है। तो मैं टीवी जैसे ऑन की रिचार्ज ख़त्म था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि निशांक को मिला है बहुत बड़ा सरप्राइज़। उसके दादा और दादी जी आए हैं, तो इस वजह से उसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। वो जैसे स्कूल से आया, मैं उसको खिला पिला के सुला दी थी, और मम्मी पापा आए हैं मेरे सास ससुर। तो निशांक इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, मतलब क्योंकि मतलब जो उसके दादाजी हैं ना निशांक के, उससे उसको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो जब देखा ना, तो उसको समझ में नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब उसके दादाजी उसके सामने हैं। और होता है ना, बच्चों को ना अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। पर्सनली मुझे भी अपने नाना नानी से तो उतना अटैचमेंट नहीं था गाइज, पर अपने दादा दादी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। और अगर मतलब जैसे कि मेरे घर पे और नानी के घर पे हम लोगों को मामा और मामी जी से मतलब वहाँ था कि हम लोग को इंटरेस्ट था, मामा मामी से ज़्यादा हम लोग कनेक्ट थे। नाना नानी से ज़्यादा हम लोग अपने मामा और मामी जी से कनेक्ट थे। वैसे ही निशांक का भी है। तो पापा आए तो मैं फटाफट से खाना तो मैं पहले से ही रेडी करके रखी थी, चावल मतलब गरम गरम बना ही रही थी, और यहाँ पे मैं प्याज की पकौड़े तल रही थी, और सुबह में आलू की भुजिया ही बना ली थी और कुंडी का भुजिया बना ली थी, साथ में दाल बना दाल में लगा दूंगी तड़का, और फटाफट से यहाँ खाना निकाल रही हूँ। क्योंकि चावल ना मुझे अंदाज़ नहीं लगा, चावल कम ही बन गया, तो इसलिए दोबारा से मैं चावल जो है वो चढ़ा दी थी। तो अभी पहले पापा जी को और पति देव को खाना दे दूंगी, क्योंकि हस्बैंड आए पापा को लेके। तो अभी पहले उन दोनों पापा जी को और पति देव को पहले खाना दे देती हूँ, तो मम्मी बाद में खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे बस पकौड़े तल रही थी। और कितना अच्छा लगता है ना, मतलब अकेले अकेले रहो ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल से। और सब लोग जब घर में आ जाते हैं ना, तो हमारी पूरी फैमिली, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इट्स माई फैमिली। तो बस यहाँ पर मैं दाल जो है वो रख रही हूँ। गाइज पता है कैसे कैसे तो ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा ब्लॉग एडिट करने का। होता है ना कि मतलब घर में अगर कोई आ जाए तो फिर टाइम टेबल से आपको मतलब सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे था कि मैं पहले वीडियो एडिटिंग कर लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो इसीलिए ना मेरा वीडियो टाइम से नहीं जा पा रहा है। सो आप आई नो कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा गाइज। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा आए हैं, बहुत मन लग रहा है, साथ में बच्चों का भी मन लग रहा है अपने दादा दादी के साथ। और मेरा छोटा वाला बाबू तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि इतना सारा गोदी में वो जा रहा है, और लास्ट में घूम फिर के फिर मेरे पास भी आ जा रहा है। लेकिन अभी वो परेशान नहीं कर रहा है ज़्यादा, अपने दादाजी के साथ है वो मस्त। और निशांक का भी वही हाल है, निशांक का तो खुशी का हाल ही नहीं था कि वो अपने उसके दादाजी आए हैं, क्योंकि उसको कुछ भी हमने बताया नहीं था उसके दादाजी आए हैं। तो आप लोग सोचिए कि मेरे ससुर क्यों आए हैं, तो मेरे ससुर बहुत ज़रूरी काम से यहाँ पे आए हैं, जो मैं वक्त आने पे आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों आए हैं नहीं आए हैं। तो वैसे इस बार जो आए हैं, हमेशा तो ऐसे घूमने या फिर किसी ऐसे मतलब आते थे, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज़रूरी काम से आए हैं पापा। तो क्योंकि उन्हें बुलाया गया है, हम लोग बुलाए उनको कि ज़रूरी काम था इस वजह से। सो चलिए, आप लोगों को तो वो समय आने पे गाइस बताएंगे ही, और आप लोग भी सुन के खुश हो जाइएगा। सो चलिए, यहाँ पर हमारा जो है प्याज के पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो पहले पापा जी को खाना दे देते हैं, उसके बाद हस्बैंड को खाना दे दूँगी। और ये ब्लॉग ना मैं सुबह से सोच रही हूँ एडिटिंग करूँ, बट हो नहीं पा रहा है गाइस। सच में मेरे पास इतने सारे ब्लॉग शूट हो गए हैं और एडिट नहीं हो रहा। मतलब ब्लॉग शूट करने का तो मैं कर ले रही हूँ, बट एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड। तो उसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर लूँ। और ये देखिए, ये कह सकते हैं टेक्निक है कि पकौड़े के साथ पापड़ को कैसे तले, तो ये एक टेक्निक है गाइस। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि हड़बड़ी है कुछ, तो पकौड़े के साथ साथ आप पापड़ को भी इस तरीके से ना तल सकते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब ये आप वीडियो ना हस्बैंड ही शूट कर रहे थे, बोल रहे थे तुम क्या ही वीडियोस में दिखा देती हो कि पापड़ ऐसे तल रही हो। हम बोले कोई बात नहीं है, मेरे व्यूवर्स को समझ में आएगा कि मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में हूँ, इसीलिए इस तरीके का काम जो है ना कर रही हूँ। तो चलिए, आप सभी लोगों को खाना दे देते हैं गाइस। तो जो लोग चैनल पे न्यू है मेरे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ निशांक अपने दादाजी के साथ खाना खा रहा है। हुआ था कि निशांक स्कूल से आया था ना फ्रेंड, तो मैं उसको खाना नहीं खिलाई थी, सिर्फ दूध पिला के सुला दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी के साथ वो खाना खाएगा, इसलिए।
और मैं यहाँ पे कपड़े सारे कपड़े सूख गए थे, तो कपड़े लेने के लिए मैं जब आई तो मेरी बगल की जो नेबर है ना आकांक्षा, तो वो भी वहाँ पे आए थे। फिर हम दोनों ने मिलके, हम लोग ऐसी बालकनी में मिलके ना बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा बालकनी उसका बालकनी एकदम एक बालकनी है, तो हम लोग एक दूसरे से ना बात भी कर लेते हैं वहाँ से, तो अच्छा लगता है एक दूसरे से थोड़ी बहुत सी बात कर लेते हैं। अब मैं अपनी बात उसे बता देती हूँ, वो मुझे अपनी बात बता देती है आकांक्षा, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी वो बस बातें करते करते बहुत देर बात हुआ था गाइस, पता है, तो फिर ना मैंने वीडियो निशान को बोल के कट करवा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरा छोटा वाला बाबू को मैंने सुला दिया था, और मैं यहाँ पे आ गई थी कि जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े को कर देती हूँ फोल्ड। देखिए मेरे सारे कपड़े जो है ना मैंने फोल्ड कर दूँगी और सबको रख दूँगी, ये एक बहुत बड़ा काम है। और पता है कभी कभी क्या करती हूँ, कभी कभी मैं अगर चेयर पर रख दूँगी कपड़े की, चलो अभी नहीं करूँगी कल कर लूँगी, तो वो कपड़े मैं नहीं तह लगा पाती हूँ। फिर लास्ट में मेरी जो हाउस हेल्पर है मैं उसको बोलती हूँ कि आज थोड़ा सा कपड़ा है आप उसको फोल्ड कर दीजिए, और नहीं तो अगर मैं डेली के डेली ऐसे फोल्ड कर लूँ ना गाइस तो मुझे टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन वही बात है कि डेली के डेली मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से तो अभी तो मैंने कर ही लिया है, क्योंकि पापा जी लोग आए हुए तो चेयर पर रखना अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा नहीं फटाफट से इसको जो है फोल्ड कर देती हूँ। और अभी मुझे मार्केट भी निकलना है, तो पहले घर में दिया बत्ती करूँगी शाम का, उसके बाद मार्केट निकलूँगी, क्योंकि मार्केट में कुछ काम है, कपड़े उपड़े लेना है। तो मैंने ना कुछ साड़ी की भी शॉपिंग किया है गाइस, इतनी सुंदर सुंदर मैंने साड़ियाँ ली है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मतलब दिल खुश हो गया, इतना पैसा उड़ा के कह सकते हैं कि दिल खुश हो गया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा दिल कब खुश होता है पता है, मैंने कहा कब, जब तुम पैसे अपने उड़ा देती हो। मैंने कहा नहीं बाबा ऐसा बात नहीं है, पता है मैं तो पैसे जब खर्च हो जाते हैं ना तो मैं टेंशन में हो जाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो चीज़ चाहिए मेरी पसंद का चाहिए जब मुझे मिल जाता है ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं होता है कि भाई मेरे पैसे खर्चे हो गए, ऐसा नहीं होता मेरे में है कि भाई खर्चे हो गए तो हो गए, क्या ही हो गया, मतलब अपनी इच्छा तो पूरी हुई ना मेरी, ये चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए, तो अगर अपनी इच्छा पूरी करके अगर हम पैसे खर्चे कर रहे हैं तो इसका गलत बात नहीं है गाइस, तो आप भी खर्चे करो और अपनी इच्छा को पूरी करो, इसीलिए पैसे जमा करने से ना कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ पैसे को सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सेविंग पैसे ही काम आते हैं, तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भले ही मतलब मेरी जो भी इनकम होती है कहीं से भी कॉलैब यूट्यूब यानी प्लेटफॉर्म से, तो मैं सेविंग खर्चे तो करती हूँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खर्चे नहीं, मैं खर्चे करती हूँ, दिल खोल के खर्चे करती हूँ, मतलब जो लेना है सो ले लूँ, जो मन खाना का वो खाऊँ, जो कपड़े पहनना है वो कपड़े ले लूँ। लेकिन गाइस मैं उस सेविंग भी करती हूँ, क्योंकि बिना सेविंग, क्योंकि लाइफ में मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपको आपकी सेविंग की ज़रूरत पड़ती है ना, उस टाइम आप कहाँ जाओगे, किससे लेने जाओ? आजकल के टाइम पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई भी एक इंसान किसी की हेल्प नहीं करता, और मैं तो किसी की हेल्प लेना ही नहीं चाहती, मतलब मेरी अंदर से कभी इच्छा नहीं था मैं किसी की हेल्प लूँगा सच में, और भगवान से इतना ही मनाती हूँ कि कभी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, ना ही मुझे हो ना मेरे पति को हो, कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत ना मिले। तो यहाँ पे शाम का दिया बत्ती करने के बाद पापा जी के लिए मैं बना दी थी चाय, और मैं निकल गई थी गाइस मार्केट के लिए। मार्केट आके सबसे पहले मेरा जो ये मंगलसूत्र है, ये मेरे शादी के टाइम का मंगलसूत्र है, तो ये मैंने छोटे से माला में मतलब गुथवाया था ना, तो ये पूरे गले में ना चिपक जा रहा था, गर्मी में मतलब पहना नहीं जा रहा था, और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग में बनवाया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ब्लैक वाली मोती ली है मार्केट से, ये 200 रुपये में दिया, ये जो माला है ना ये इसका चार्ज 200 लिया, और मैंने अपना मंगलसूत्र इसमें डाल दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं चली गई थी साड़ी की दुकान पे साड़ी लेने के लिए, तो देखिए मैंने इतनी साड़ी देखी ना गाइस, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैंने बहुत सारा साड़ी देखा और मैंने बहुत सारा साड़ी लिया भी है, तो सब मतलब मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मैंने पॉलिश के लिए दे दिया है सब कुछ, और उन्होंने कहा कि आपको कब तक चाहिए, मैंने कहा आप आराम से दो मुझे भी हर बार ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे वट सावित्री में पहनना है मुझे, एंड उसके बाद तीज के लिए भी मैंने साड़ी अभी परचेस कर लिया है, क्योंकि छोटे बच्चे को लेके बार बार मार्केट आना जाना होता नहीं है। फिर हम वहाँ से निकल गए थे
सब्जी लेना था तो हमने रास्ते से लिया है सब्जी। और ये देखिए घर मतलब सब्जी की दुकान पर देखने में कितना अच्छा लगता है ना, सब्जी इस तरीके से सजा सजा के रखता है सब्जी। तो चलिए घर जाके मिलती हूँ। तो गाइस खाना वाना हमारा हो गया है, खाना हम लोग खा लिए हैं और अभी आए सोने के लिए। तो मैं सोई हूँ सोफ़ा पे, बाबू को लेके सोफ़ा का बेड बनाया है क्योंकि मेरा जो सोफ़ा है सोफ़ा का बेड है। हॉल वाला बेड पे पापा सो रहे हैं और इस वाला पे मम्मी, पतिदेव और बड़ा वाला बाबू मतलब ईशान सोए, और यहाँ पे मैं छोटे वाले बाबू को लेके सो रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेट भी लगा रही हूँ कि बिना नेट का सो नहीं सकते, बच्चों को लेके तो खास करके नहीं सो पाइएगा, इतना ज़्यादा मच्छर रहता है। तो तीनों बेड पे हमारा नेट लग गया है और हमने तीनों बेड इस तरीके का फोल्डेबल नेट है ना लिया है। बाय बोलो सबको, बाय। आए देखिए क्या कर दिया। चलिए गाइस गुड नाइट।